गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। बेटा आज मैं क्लास एट का चैप्टर फर्स्ट रेशनल नंबर का एक्सरसाइज 1.1 आपको आपके साथ डिस्कस करेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए 1.1 एक्सप्रेस करना स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में जो नेगेटिव है उसको ऊपर ले जाना है, बस ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया। फिर विच आर द फॉलोइंग रेशनल नंबर आर स्टैंडर्ड फॉर्म विच आर नॉट, वही करना है। इसी तरीके से आप देख लीजिए इसको क्या करना है, ठीक है। तो ये टोटल 9 क्वेश्चंस हैं, आप लोग वीडियोस को रोक रोक करके आप देख सकते हैं पूरे क्वेश्चंस को, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे वेरीफाई दैट करना है, LHS बराबर RHS। देखिए यहाँ पे LCM सेम है, 8 ले लिया, 15 में से 9 में से माइनस 5 ओके है तो 4, और 13 LCM ले 17/8 सेम कंडीशन इसको ऐड किए 22 और माइनस 5 के 17/8 है, LHS बराबर RHS है तो सही है। इसी तरीके से इसमें भी करना है, 20 है तो पहले इसका LCM लेंगे 10 होगा, माइनस माइनस एक कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे माइनस आएगा 3। देखिए क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 10 हो जाए, 5 टू जाए तो 2 से यहाँ ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आया बच्चों कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा 6। और 7 में से 1 7 है, 6 हटा सेपरेट कर देंगे तो 1/10 आया। अब इसके एलसीएम लिए तो 10 जा 200 प्लस 1 माइनस 199, तो इधर भी इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लिए 500 103/5 एलसीएम लिए 2 से मल्टीप्लाई 206 प्लस 7 सेपरेट करेंगे तो 119/10 अर्थात ही वेरीफाई हो गया, ठीक है बेटा। अगर आपको नहीं समझ में, वीडियोज़ को बार बार आप रिपीट करके देख सकते हैं। इसके बाद बेटा यहाँ पे द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करना, मतलब इसको रेसिप्रोकल करना है। जैसे ए है तो ए अपान ए हो जाएगा, सबको ऐसे ही करना है। 1 है तो 1/1 का माइनस 1 बराबर 1 ही रहेगा। इसी तरीके से 1/3 इक्वल टू 3 हो जाएगा, 9/13 तो इसको करना 13/9 हो गया। आप देखिए इसमें क्या करना है, 11 वाले में 11 करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो इट इज़ द मल्टीप्लिकेटिव एसोसिएटिव है। क्या है, सिर्फ लिखना है कि कौन सा है, वो है सिर्फ बच्चों 11 तक करना, बाकी 12, 13, 14 ही करना है, ठीक ओके। ये एक्सरसाइज फिनिश हो गया।